जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए मिशन कंपटीशन के ऊपर मैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारा पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। इस टेलीग्राम ग्रुप का खासियत यह है कि जितने भी पेड प्रैक्टिस सेट्स हैं, जैसे आस्था के होते हैं, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, ड्यूटीरिया, इन सब जो पेड कोचिंग संस्थान के जो ऑफलाइन मोड में पेड प्रैक्टिस सेट चलते हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट हमारे पास जैसे जैसे जो आते हैं हम लोग इस ग्रुप में अपलोड करते हैं। अगर आप लोग इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ 199 का वन टाइम पेमेंट करके 9703511194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे पास जैसे जैसे जो जो आएगा उस अनुसार आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मोस्टली हमारा जितना भी कंटेंट है सारा बाइलिंगुअल रहता है, और ध्यान रखिएगा एक्सप्लेनेशन सबका रहता है, एक्सप्लेनेशन हर एक सेट का आपको दिया जाता है, तो उसके लिए चिंता मत करिएगा। चलिए हम लोग अपना सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आता है हमारा, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर एक हमारा, यहाँ पे देखिएगा अरिहंत पब्लिकेशन का ये नया नवेला प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग एक करेंगे। आप लोग कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, बताइए कितना कितना आप लोगों ने सही किया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया है बेहतरीन तरीके से जूम। चलिए तो ये प्रॉपर जूम हो गया है, और अब हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। चलिए भाई, पहला सवाल है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति की बात हो रही है, कौन था? तो भैया वो था, देखिए सुभद्र। अच्छा देखिए, आनंद और सुभद्र ये दोनों इनके प्रिय शिष्य थे, ध्यान रखिएगा ये दोनों इनके प्रिय शिष्य थे, और अपने मरने के बाद इन्होंने आनंद को अपने पास बैठा के बोला था कि देखो मेरे बाद जो है, जो मेरा शिक्षा जो मैंने तुमको दिया है जो मेरे द्वारा तुमको जो शिक्षा दिया गया, जो ज्ञान दिया गया, वहीं अब मेरा द्वारा दिए गए सारे जो शिक्षा तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करेंगे। बेसिकली अपने बाद उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर दो देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है भैया, देखिए नन्य ने महाभारत में, देखिए तेलुगु अनुवादों का महाभारत का इन्होंने ही किया था। अच्छा 11वीं शताब्दी में ये थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका टिक्कन ने 13वीं शताब्दी में कुछ अंश का जो है अनुवाद आंध्र भारत में किया था, ठीक है, आंध्र लैंग्वेज में, क्लियर। चलिए तीन नंबर देखते हैं, वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की तथा अपनी पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार के साथ किया था? तो भैया वो कौन था, तो अगर उसकी हम बात कर ले, वो था कुलोत्तुंग, ठीक है, हमारा ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो कुलोत्तुंग जो है ये देखिए चोल शासक था एक, है ना, इसी ने ये काम किया था। चलिए नंबर चार देखते हैं, नंबर चार हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो भैया देखिए खुर्रम किया था, महावत खां किया था, खुसरो किया था, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। पांच देखिए, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? अब यहाँ पे देखिए फवायदुल फवाद है ना, ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है, ठीक है, कलेक्शन है ओवरऑल। तो ये देखिए अमीर हसन निज़ामी ने इसका संकलन किया था, हमारा पाँच का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नंबर छः देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता है? महबूबे इलाही किसको कहा जाता है? तो देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही जो है कहा जाता है, यानी कि ईश्वर का प्रेमी। नंबर सात देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता लगाइए। सही कालानुक्रम देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं तो रॉलेट एक्ट पारित होना, उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, और फिर तिलक का निधन हो जाएगा। सात का ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए रॉलेट एक्ट की अगर हम लोग बात कर लें, ये 19 मार्च को पास हुआ था, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, ठीक है 1919, तो ये 1919 में ही हुआ था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल, ठीक है 1919 में हुआ था। अच्छा अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन ये 1919 में ही हुआ था, और तिलक का निधन जो है भैया ये देखिए 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो इस हिसाब से हमारा सही कूट सात का जो है ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर आठ देखिए, टीपू सुल्तान डैश एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था? टीपू सुल्तान जो है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में इसका निधन हो गया था 1799 में। नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं?
सीमांत गांधी के रूप में देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी के बाहर निकाला, कौन सा आंदोलन ऐसा था जो महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। तो देखिए होम रूल आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो हमारा ओके नंबर 11 देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी डैश बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी। तो उसने अपनी राजधानी देखिए श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। 11 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1782 में, है ना। इसका पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर गद्दी पर यह बैठा था, ध्यान रखिएगा। अच्छा 12 नंबर देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये थी देखिए अफगानिस्तान में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, यूरोप के विभिन्न देशों के कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, निम्न में से किस देश की कंपनी इसमें शामिल नहीं थी। तो इसमें ध्यान रखिएगा स्पेन इसमें जो है शामिल नहीं थी। हमारा 13 का ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिएगा, बिहार के गया ज़िले के आसफगढ़ से प्राप्त अभिलेख में डैश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी किसके बारे में मिलती है, देखिए परवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में मिलती है। तो 14 का ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15, देखिए बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास संबंध में जानकारी का स्रोत अगर हम बात कर ले, देखिए दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, सारे हो जाएंगे, डी हो जाएगा एक से अधिक। 16, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासनिक किस काल में था। तो बिहार का प्रशासनिक जो है ये ध्यान रखिएगा तुगलक वंश के काल में ये था। 16 का सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। 17 नंबर देखिएगा, जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, पैरेलल गवर्नमेंट। तो ये देखिए अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, कुंवर सिंह के ये भाई थे अमर सिंह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18 देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िला होम रूल की स्थापना डैश की, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है देखिए जनकधारी प्रसाद जी ने करा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के सहयोगी जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है सवाल 19, ओके, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा अगर हम लोग बात कर लें, है ना, तो देखिएगा ये 1912 में प्राप्त हुआ था। अच्छा 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था, आप लोगों को याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में जॉर्ज पंचम जो है आए थे और उनके सम्मान में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी में अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये सारे बातों का। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे। तो बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे देखिए इमाम ताज फकीह जी। 21 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा वो अंतिम अधिवेशन था। देखिए उसके अगर हम लोग बात कर ले तो वो था अमृतसर अधिवेशन 1919 वाला, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 21 का सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, मैच्ड नहीं है। तो देखिए लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे ये जो है मैच नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में लड़ा गया था ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आपके लिए सवाल है। 23 देखिएगा, यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, यहाँ के स्त्री पुरुष इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना तथा भेड़ बकरी पालन सीखा, कब्रों में मनुष्यों के साथ साथ बकरी को भी दफनाने की उनकी इस आस्था को बल मिलता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यह विवरण किस नवपाषाण स्थल के बारे में सटीक विवरण देता है। तो ये सटीक विवरण जो आपको मिल रहा है ये सटीक विवरण देखिए गुफर काल का, ठीक है। तो 23 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न में जो भी बातें यहाँ पे करा गया है तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ये बलूचिस्तान ईरान की सीमा पर है, ये गुफर काल, ध्यान रखिएगा। 24, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली विद्रोह का नेता की बात कर लें तो देखिए खान बहादुर खान जी थे। 25 देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। इसका सरकारी इतिहासकार था SS सेन। 25 का सी एब्सोल्युटली करेक्ट हमारा हो जाता है। 26 देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता है। तो देखिए शेरे पंजाब जो है ये कहा जाता है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है, शेरे पंजाब भी कहा जाता है ना। चलिए नंबर 27 देखिएगा,
निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम करेक्टली मैच्ड है? तो करेक्टली मैच जो है यहाँ पे देखिए नाथुला मेघालय, यहाँ पे 27 का सी बिल्कुल ही सही हमारा मैच है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा जो है भारत चाइना सीमा पर है, ये 4350 मीटर हाइट पे ये इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा 28 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आंतरिक जलमार्ग के रूप में देखिए लुडविग्स नहर जो है, लुडविग्स नहर इसको यूज़ किया जाता है। 29 सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन रिवर जो है देखिए ये पेरिस में आपके पेरिस से होकर बहती है। 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान जो है इसको हम लोग देखिए एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की जो आवश्यकता होती है वो देखिए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। 31 सी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं हम लोग, देखिए ओजोन परत बताती है, देखिए ओजोन परत क्या बताती है बेसिकली यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ओजोन परत यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत जो है बेसिकली हमको देखिए यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और ये पृथ्वी तल से देखिएगा अगर हम बात कर लें 15 से 20 किलोमीटर के हाइट पे ये एस्टेब्लिश्ड होता है ना। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। आर्कटिक की वायुमंडलीय स्थिति नहीं, ये नहीं बताता है बेसिकली, अपने को यूवी रेज से बचाता है और पृथ्वी को एक्स्ट्रा गर्म होने से भी थोड़ा रोकता है। शनि ग्रह पर एक आधुनिक खोज नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, तो इसको क्रॉस मारते चलिए। और पृथ्वी की सतह 15 से 20 किलोमीटर रहता है, ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा, 33 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने या किसे चिपको आंदोलन नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को जो है चिपको आंदोलन के प्रणोता या नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। रिसेंटली इनका 2022 के अंदर में निधन भी हो गया है। 34 देखिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है, देखिए सारण सिंचाई नहर जो है ये निकलती है गंडक से। सी हमारा 34 का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 35 बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल की बात कर लें तो ये आपका गन्ना हो जाएगा, यानी कि सुगर केन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 36 देखिएगा, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी देखिए कोसी आपका सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, 37 बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो नेपाल और यूपी दोनों को टच करने वाला जो बिहार का जिला है वो है देखिए पश्चिमी चंपारण। 37 का बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, बिहार में शीतलकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो शीतलकालीन जो वर्षा है यह आपका देखिए भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होता है, तो हमारा 38 सी करेक्ट होगा। 39 देखिएगा, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो बिहार में लाल बलुई मिट्टी का जो विस्तार आपको मिलेगा अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए रोहतास और कैमूर की पठारी जो इलाके हैं वहाँ पे आपको इसका मिलेगा। ठीक है, 40 देखिए, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो देखिए शुष्क पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 41 देखिएगा, यहाँ से मैथ के कुछ सवाल स्टार्ट हमारे होते हैं, इसका हम फटाफट से आंसर बताएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद सॉल्व जरूर करिएगा। कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? 3 साल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये समीकरण है, यहाँ पे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। 42 का करेक्ट आंसर 140/3 हो जाएगा। यहाँ पे आरेख मतलब यहाँ पे कुछ दिया गया है आपके साथ, आरेख दिया गया है उसमें से कौन सा एरिया किसका ये आपको बताना है। 43 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 देखिए, यहाँ पे कुछ साइंस दिए गए हैं, प्लस को गुना मान लिया, गुना को भाग माना है, माइनस को प्लस माना है, तो यहाँ पे जो ये समीकरण दिया गया इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखिए 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा यहाँ 45 देखिए, 45 में क्या बोल रहा है, भाग के एक प्रश्न के लिए यह गात है कि भाज्य, ठीक है, 37693 है और भागफल 52 है, तो शेषफल 52 से अधिक किंतु 104 से कम, भाजक क्या होगा? देखिए भाजक जो हो जाएगा यहाँ पे 723 हो जाएगा। ठीक है, 46 देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इनमें 1/5 स्त्रियाँ हैं और शेष पुरुष हैं, 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियाँ आरक्षित हैं, तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा? तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत देखिए 88% हो जाएगा। ठीक है, 47 देखिए,
एक कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को, एक कार्य को 12 दिन में बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, वह एक साथ दो दिन कार्य करते हैं तथा ए चला जाता है, शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा। तो बी शेष कार्य जो है अगर हम बात कर लें भैया, देखिए 13 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। चलिए 48 देखते हैं हम लोग। 600 को ए बी तथा सी इस प्रकार विभक्त किया जाए कि ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के भाग से 2/7 से 20 अधिक, सी के भाग से 9/17 से 10 अधिक बराबर है, तो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा देखिए 150। ठीक है, 49 देखिएगा, 49 में यहाँ किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर व्यक्ति को 5% का लॉस होता है और 1040 बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 4%। ठीक है, 50 देखिए, समीकरण हल करना है आपको और इसका सही आंसर बताना है, करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइंस के हमारे सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटॉन पर आवेश जो है, तो प्रोटॉन पे जो आवेश है देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, यानी कि अपोजिट होता है। 52 देखिए, 14 ठीक है, 14C6 एवं 14N7 किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपको देखिए संभारिक के। ठीक है, संभारिक के ये आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 52 का ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संभारिक की अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, देखिएगा भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान रहता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसको संभारिक कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 53 नंबर। देखिए नौसादर और नमक के मिश्रण में से नौसादर पृथक कर सकते हैं, कैसे नौसादर अलग कर सकते हैं, तो देखिए ऊर्ध्वपातन के द्वारा यानी सब्लिमेशन के द्वारा। 54 देखिए, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो लेड बैटरियों में यानी कि जो बैटरीज बेसिकली होती हैं पानी वाली, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है ना। 55 निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सजातीय युग्म हैं, तो इसमें सजातीय युग्मों की बात कर लें, देखिए HCHO एवं CH3CHO हमारा हो जाएगा 55 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है, तो H2 जो विस्थापित करती है वो देखिए ZN करती है, 56 का सी करेक्ट होगा। 57 देखिए, निम्नलिखित में से क्या एस्पिरिन का वैज्ञानिक नाम है, एस्पिरिन का वैज्ञानिक नाम की बात कर लें, देखिए एसिटिल सैलिसिटिक अम्लिका इसको एस्पिरिन का जो है साइंटिफिक नेम है। 58 देखिए, रेयॉन रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, देखिए रेयॉन जो है ना ये जाना जाता है देखिए सेलुलोज एसीटेट के नाम से। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 59 देखिए, बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसे बैरल कहा जाता है, सामान्यतः एक बैरल होता है, देखिए एक बैरल जो है ना 159 लीटर का होता है, ध्यान रखिएगा। 60 देखिए, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बच्चा गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद जो है, अब देखिए यहाँ स्थिर वेग से चल रही गाड़ी को है ना, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा उसके हाथ में सीधा गिरेगा। ठीक है, 61 देखिए, उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियाँ बनाते हैं वो उत्तक कौन से हैं, तो मनुष्य की ग्रंथियाँ बनाने वाला उत्तक देखिए उपकला उत्तक हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। 62 देखिए, मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइजोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो ये कार्य करता है देखिएगा प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। ठीक, 63 रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है अगर हम इसकी हम बात कर लें देखिएगा तो स्फीति के ऊपर में ये निर्भर करता है आपका। ठीक है, 64 देखिए, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो इसमें जीवन की जो उत्पत्ति होती है वो होता है एक कोशिकीय युग्मनज से। ठीक है, तो 64 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए भाई इधर 65 देख लेते हैं हम लोग। 65 देखिएगा, यहाँ पे सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवर्तन यानी CA के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा देखिए फॉस्फोरस हो जाएगा। 66 देखिए, यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरिमिया कहलाता है, तो यूरिमिया जो है ये यूरिया का एकत्रीकरण जब रुधिर में होगा यानी कि आपके ब्लड में होगा तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे यूरिमिया, ध्यान रखिएगा इस बात का। 66 का बी। 67 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से कार्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है, कार्टिसोल हार्मोन जो है देखिएगा ये अगर हम बात कर लें यहाँ पे एक से अधिक रीजन होता है ना कार्टिसोल हार्मोन का, हृदय संबंधी तंत्र के देखरेख में होता है,
आरबीसी के उत्पादन में विक की क्रियाओं में इन सब में होता है तो एक से अधिक हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिएगा, गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाली फिंचे उदाहरण है। तो ये फिंचे जो यहाँ पर रहती हैं ये उदाहरण है किसका, तो ये है देखिए भिन्न देशीय जाति उद्भावन का, ठीक है। 69 राइनो विषाणु उत्पन्न करता है, राइनो विषाणु की बात कर ले, देखिए सामान्य सर्दी जुकाम जो है इस राइनो विषाणु से इंसान को होता है, क्लियर। 70 देखिएगा, खाद श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तर में आवर्धन होता है क्योंकि डीडीटी है, तो डीडीटी क्या है, तो बेसिकली डीडीटी जो है ये देखिए वसा में विलयशील है यानी फैट में ये घुलनशील है, ध्यान रखिएगा, है ना। 71 देखते हैं हम लोग, 71 पनडुब्बियों पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए उनके इंजन के अंदर में अगर हम बात कर लें डीजल का इस्तेमाल होता है, अच्छा ध्यान रखिएगा डीजल के साथ साथ इसमें बैटरी भी होता है, और अब जो है एटॉमिक रिएक्टर परमाणु भी आ गई है ना, जो आपको जो है आणविक शक्ति चलती हैं, तो बेसिकली ये सब भी ध्यान में आप रखिएगा। 72 दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, इसका मेन रीज़न है देखिए अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। 73 अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होगी, तो इनमें जो आवश्यकता की अगर हम लोग बात कर लें, है ना भैया, इसमें आवश्यकता हमारी हो जाएगी इसकी, तो अधिक बल की, ठीक है। चलो 74 देखते हैं, नितिन प्रातः काल गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक नितिन पानी में तैरने लगता है, यह गति किस सिद्धांत को स्थापित करता है। देखिए वह अचानक तैरने लगता है तो ये जो है नियम, ये देखिए गति का तृतीय सिद्धांत को स्थापित करता है। 75 देखिएगा, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, तो बादल जो है ये कोलाइडी परिक्षेपण है जल के परिक्षेप माध्यम से में वायु का, ठीक है। 76 देखिए, फलों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है ना, फलों के परिरक्षण के लिए मतलब बचाव के लिए, तो ये जो इस्तेमाल होता है देखिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। 77 भारत ने किस देश के साथ 28 जनवरी 2023 में 12 चीतों को प्राप्त करने के संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो यह हस्ताक्षर किया देखिए साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है साउथ अफ्रीका। चलिए 78 देखिएगा, फरवरी 2023 में किस देश की सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण उपनगर का नाम हिंद शहर कर दिया, तो ये किसने किया था, तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने यानी यूएई ने करा था, ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट ये करेंट अफेयर्स है। 78 का ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाए, देखिएगा तो भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसने यूएई ने ऐसा करा था, ठीक है। तो इसका एक शहर था अल मिनहाद, उसका नाम बदल के जो है इसने हिंद नगर किया है, अल मिनहाद एक शहर था, नाम याद रखिएगा अल मिनहाद, ठीक है। चलिए 79 74वीं गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो प्रथम पुरस्कार मिला देखिए उत्तराखंड की झांकी को। 80 देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किस स्थान को राज्य की नई राजधानी के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा करी है, तो उन्होंने घोषणा करी है देखिए विशाखापट्टनम को। 80 का ये करेक्ट हो जाएगा। 81 देखिए, वासेनगर अर्जेंटमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार आपको करना है, भारत आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इस व्यवस्था में 42 सदस्य देश हैं, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसका सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में है। हमारा यहाँ पे करेक्ट जो अगर आंसर की बात कर लें, ठीक है ना, देखिएगा करेक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए नंबर 82 देखते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को आर्थिक प्रभावी बनाने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास जनवरी 2023 में संचालित किया गया है, तो ये संचालित किया गया है देखिए बीएसएफ के द्वारा यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। 83 देखिएगा, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी तेलंगाना राज्य द्वारा की गई, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 मनाया गया। करेक्ट हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिएगा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक से अधिक, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक जो ऑप्शन हैं हमारे बिल्कुल ही सही है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं
तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी तेलंगाना राज्य को मिली, ठीक है। और पर्यटन दिवस प्रत्येक जो है 25 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली में, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को, हाँ 25 जनवरी, हाँ ठीक है 25 जनवरी को मनाया जाता है पर्यटन दिवस, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 84 देखते हैं हम लोग। सांड हाथी घोड़ा संघ के लिए निम्न विकल्पों में से सही जैन तीर्थंकरों के संयोजन को पहचानिए। सही जैन तीर्थंकरों के संयोजन की पहचान यहाँ पे करने की बात कर ले, तो देखिए ऋषभदेव सांड इनका प्रतीक है, अजीतनाथ हाथी इनका प्रतीक है, संभवनाथ घोड़ा है, और अरिष्ट नेमी का संघ है, ए करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए क्या बोला जा रहा है, मगध साम्राज्य प्रशासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम की बात कर लेते हैं, देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तब मौर्य वंश हो जाएगा। 86 याबा क्या है, याबा क्या है, व्हाट इज़ याबा, याबा देखिए एक प्रकार का ड्रग्स जिसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा। 87 बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 21-22 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितने प्रतिशत रही है, तो ये वृद्धि रही है देखिए 9.4%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नंबर 88 बिहार बजट 2023-24 में कुल बजटीय प्रावधान 2.62 लाख करोड़ रखा गया है, अपने पूर्ववर्ती बजट के मुकाबले कितना अधिक है ये, तो पहले जो है पहले के मुकाबले ये 2400 करोड़ अधिक है। 89 देखिए बिहार बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो इसका अनुमान लगाया गया देखिए 2.98%, ठीक है। 90 भारतीय सेना ने किस देश के साथ प्रथम संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 14 जनवरी से 27 जनवरी 2023 के बीच संचालित किया है, तो ये संचालित इन्होंने किया देखिए मिस्र के लिए, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 91 देखते हैं हम लोग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 से अपनी समाधान यात्रा राज्य के किस स्थान से आरंभ की थी, तो ये समाधान यात्रा जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, अगर हम बात कर लें है ना, देखिए बेतिया से, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। 92 देखते हैं, रिमपैक की बात कर ले, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बहुद्देशीय नौसेना अभ्यास है ये रिमपैक, तो हमारा 92 का सी करेक्ट हो जाएगा। 93 देखिएगा, संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है, तो इसको हस्तांतरित किया गया देखिए शिक्षा को, ठीक है, यानी कि एडुकेशन को, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 94 बिहार का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है ना, उच्चतम कानूनी अधिकारी, तो देखिए वो होता है एडवोकेट जनरल, है ना। 95 देखिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए भी इतनी ही चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए देखिए 25 ईयर मिनिमम एज, सीएम के लिए 25 मिनिमम एज, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। 96 देखते हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ध्यान रखिएगा, इसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स जो है एज होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 97 भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है, तो ये प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। 38 देखिएगा, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो गोवा राज्य जो है ये ध्यान रखिएगा ये मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। 98 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो इसमें जो स्वतंत्रता शामिल नहीं है वो देखिए संपत्ति रखने का अधिकार, ये जो है अब आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार हो चुका है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको हटाया गया है। 100 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया है, तो ये असफल महाभियोग देखिए रामास्वामी जी के ऊपर में चलाया गया है, ठीक है, कोई सफलता इसमें मिली नहीं थी। 101 म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो म्यांमार के अंदर में ध्यान रखिएगा सैनिक शासन प्रणाली है अभी करेंटली, है ना, बान की मून के हटने के बाद। 102 देखिएगा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ठीक है, ये कौन करता है, तो देखिए राज्यपाल करते हैं, ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। 103 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, तो ये वर्णन किया गया है भाग 2 के अंदर में।
104 देखिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो इनके बीच में जो अधिकतम अवधि की निर्धारित की बात कर लें, ठीक है, दो ग्राम पंचायतों की बैठक के बीच में जो मैक्सिमम जो टाइम होता है अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो देखिएगा 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता है, ठीक है, नहीं 6 मंथ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 104 का ई हो जाएगा, 6 मंथ रहना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 105 देखते हैं हम लोग, निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बिहार के जिस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है अगर उसकी हम बात कर ले, वो देखिए सहरसा, ठीक है। 106 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लक्ष्य है वो है देखिए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 107 देखिएगा, गाड़ियों को चलने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है। तो वो पदार्थ है देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, 107 का ये करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो ये बल दिया गया था देखिए कृषि के ऊपर में, यानी एग्रीकल्चर। 109 यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, ध्यान रखिएगा यह बराबर होगा राजकोषीय घाटे के, बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 110 देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है, लेकिन सामाजिक असमानता इसमें ऐड नहीं मिलेगा, ठीक है। 109 अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है देखिए बिहार के द्वारा किया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी की, ठीक है। 112 भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण जो है देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि RBI के द्वारा करा जाता है, ठीक है। 113 देखते हैं हम लोग, 113 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व मतदान जागरूकता अभियान का आइकन नियुक्त किया है। तो ये आइकन नियुक्त किया है देखिए मैथिली ठाकुर को, 113 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 114 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो ये शुरुआत किया गया है बिहार के द्वारा, 114 का सी हमारा करेक्ट होगा। 115 देखिएगा, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित ट्रसर रेशम की इकाई स्थित है। तो ये ट्रसर रेशम की जो इकाई है वो देखिए आपके भागलपुर में मिलेगा, है ना, 115 का ये करेक्ट होगा। 116 आम बजट 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो ये जो आवंटन आपको किया गया है ये देखिए 1,04,277.72 करोड़ रुपये, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 117 देखिए, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था साल 1986 में। 118 द छेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। देखिए सार्क मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था इसका मेन जो उद्देश्य था वो था क्षेत्रीय सहयोग, सारे जो सार्क देश के जो मेंबर्स हैं वो आपस में सहयोग रखें। 119 देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिश्रित युगल फाइनल मुकाबले में सानिया मिर्जा का जोड़ीदार भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन था। तो ये थे देखिए रोहन बोपन्ना। 120 देखिएगा, चलती गाड़ी में एक पत्थर गिराया जाता है, ज़मीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए ज़मीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार की पथ लेता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है पथ लेगा कौन सा, तो परवलक यानी पैराबोलिक पथ लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 121 में क्या बोल रहा है, सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है। यहाँ पे देखिएगा प्रतिरोध की हम बात कर लेते हैं, प्रतिरोध इसका जो है ओम हो जाएगा, है ना, विद्युत प्रवाह एम्पियर हो जाएगा, बल न्यूटन हो जाएगा, पावर वाट हो जाएगा, बी हमारा 121 का सही हो जाएगा। 122 देखिएगा, आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा, परमहंस मंडली तथा वेद समाज के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन का पहचान आपको करना है, ठीक है। यहाँ देखिए करेक्ट जो हमारा हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा, है ना, देवेंद्रनाथ ठाकुर ये तत्वबोधनी सभा, गोपाल हरि देशमुख, है ना, ये परमहंस मंडली तथा वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन। तो हमारा 122 का ये करेक्ट हो जाएगा। 123 देखिएगा,
संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके प्रथम महासचिव थे त्रिग्वेली, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 124, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 125, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद के लिए ट्रांसफ़र किया था? तो ये किया था देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, MBT ने ये काम किया था, ध्यान रखिएगा। 126, मराठा प्रशासन प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो इस प्रशासन प्रधानमंत्री को देखिए पेशवा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। 127, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? देखिए जावा में मिलेगा, ठीक है ना, जावा। चलिए 128 देखते हैं हम लोग। 128, अजमेर में किस सूफी संत की बंदरगाह है? तो अजमेर के अंदर में अगर हम बात कर ले देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह आपको यहाँ पे मिलेगी, 128 का भी करेक्ट होगा। 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसमें प्रथम मुस्लिम शासक की बात कर लें या आपको देखिए अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, 129 का ये करेक्ट हो जाएगा। 130 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस मगध राजवंश ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो राजगीर से पाटलिपुत्र बनाई थी उदयन ने, ध्यान रखिएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 131 देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में किस स्थान से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अन्नागार के अवशेष जो हैं ये देखिए आपको कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, तो हमारा 131 का बी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म आपके लिए मैच नहीं है ये आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अवंती यानी वैशाली ये वाला जो है 132 का मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है। अवंती की अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे महाजनपद अवंती की है ना, तो अवंती की राजधानी आपको कमेंट करके अपने हिसाब से ज़रूर बताना है, फिर कमेंट में ही आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। चलो 133 देखते हैं हम लोग, कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो ये राजवंश है देखिए चोल राजवंश। 134, भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी से 1 फरवरी 2023 के मध्य खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में किस क्रिकेट टीम को मैन ऑफ द सीरीज़ घोषित किया गया था? किस क्रिकेट खिलाड़ी को, माफ़ कीजिएगा, तो मैन ऑफ द सीरीज़ घोषित किया गया था हार्दिक पांड्या को, ठीक है। 135 देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध वल्लभी वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये वल्लभी जो है आपको गुजरात में मिलेगा। 136 देखिएगा, अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं? देखिए अधिक संख्या में बच्चों के जो समाधान हैं ये आपको जोरवे संस्कृति से आपको मिले हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 137, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो इस्तेमाल होता है शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। 138 देखिएगा, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, उसके बाद अपना आ जाता है मेक इन इंडिया, फिर आता है सुकन्या योजना, फिर अटल पेंशन योजना। तो 138 का जो है हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है जी। देखिएगा अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो ये देखिए साल 2014 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 2014 में ये स्टार्ट हो गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। अब मेक इन इंडिया ये भी 2014 में ही स्टार्ट हुआ था। अब अगर हम तारीख की दोनों की बात कर लें तो ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था, 28 अगस्त को, ठीक है। और अगर इसकी हम बात कर लें मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया देखिए 25 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों। अच्छा अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, 2015 में ये लॉन्च हुआ था, 2015 में, ठीक है। तारीख की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तारीख है 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी में। अटल पेंशन योजना की बात कर लें, ये 9 मई 2015 को हुआ था, 9 मई 2015 में ये हुआ था। तो ये आपका ओवरऑल है, तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 139 देखिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पे? देखिए लक्षद्वीप टापू की बात कर लें, ये दक्षिण पश्चिमी भारत में आपको मिलेगा। 140 देखिए, भारत किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पन्न होता है? सर्वाधिक चावल की बात कर लें, देखिए ये आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। 141 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है किससे? तो ये सक्षम परियोजना जो है ये रिलेटेड है देखिए नवीन
अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, ठीक है ना। तो 141 का सी करेक्ट हो जाएगा। 142 देखिएगा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जिनमें सही सुमेलित युग्म की बात अगर हम लोग कर लें, देखिए केड़िया उड़ीसा, यहाँ पे अगर हम लोग माफ़ कीजिएगा, सॉरी थारू बिहार, ये जो है सही सुमेलित है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 143 देखिए, पर्यटन भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है। तो इसमें सम्मिलित शहर जो हो जाएगा, देखिए आगरा, दिल्ली और जयपुर, ठीक है, ये आपको गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 144 जवाहरलाल नेहरू नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। नहावा शेवा बंदरगाह जो है ये आपको मुंबई में है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 145 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर ज़िले में है, ओके, और घोसी पहाड़ी हरियाणा के अरावली श्रेणी में है, और बिलोड़ी श्रृंखला कर्नाटक के चमराजनगर में है। तो हमारा 145 का ए करेक्ट हो जाएगा, बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर में है और बिलोड़ी श्रृंखला कर्नाटक के चमराजनगर में है। 146 देखिएगा, भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन लौह अयस्क का होता है उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 147 देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार आपको करना है, यहाँ पे विचार की बात कर ले, देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ है ना, ये सारे 100 सेंटीमीटर से अधिक होती हैं, ठीक है। किन किन पहाड़ियों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो जम्मू पहाड़ी और मिकिर पहाड़ियों में। 148 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि की है। सबसे ज़्यादा वृद्धि करी है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। 149 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रंपा विद्रोह संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंधित है, तो रंपा विद्रोह से रिलेटेड है, देखिए अल्लूरी सीताराम राजू जी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेट नंबर 1 ये अरिहंत वाले सेट में से आखिरी सवाल है, ठीक है। वह कौन सा कारण था जिससे जनता को आभास हुआ कि सरकार व्यापक राजनीति अधिकार देने के बजाय उन्हें मिले थोड़े से अधिकार भी छीन रही है। तो ये इनको आभास हुआ, अगर हम बात कर लें 1898 में बनी एक कानून जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलने के अपराध में घोषित किया गया, ठीक है। 1904 में बना इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और 1897 में लोकमान्य तिलक और दूसरे समाचार पत्र संपादकों को विदेशी सरकार के विरुद्ध जनता को भड़काने आरोप में जेल में लंबी सजाएं देनी। तो ये सारा हमारा हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, 1 से अधिक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 1 अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से 69 BPSC के लिए। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा, और जो आपके लिए कट ऑफ रखा गया है 98 का, उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसको जरूर से जरूर टच किया होगा। चलिए आज के सेट में बस इतना ही, कल दोबारा से एक और नए सेट के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।